आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों इस वीडियो में चर्चा करूंगा मेष वृष मिथुन राशि के मार्च 2021 के भविष्यफल की। ये भविष्यफल संक्षिप्त है और आगे आने वाले समय का पूर्वानुमान है, कैसे हमें उसको फेस करना है। मेष राशि की बात करूं तो अगर आप व्यापार करते हो या नौकरी करते हो, सतर्कता का समय रहेगा मार्च 2021 का समय। सतर्क रहें, अपने लाभ हानि के प्रति बराबर अपना ध्यान दें। जमीन जायदाद के मामले में या किसी कानूनी मामले में स्थिति विवादास्पद हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखें। आपको चाहिए कि इस माह अपने आप को मजबूत करें, राजनैतिक और जो शासन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके संपर्क में रहें, उनसे अपने मधुर संबंध बनाए रखें। इस महीने की 2, 3, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23 और 25 ये तारीखें कम अच्छी हैं, इनमें सावधान रहें। वृषभ राशि वालों की बात करें तो आत्मविश्वास पूरी तरह से आपके साथ है और अपने आत्मविश्वास के दम पर विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल कर पाने में आप इस महीने सक्षम रहेंगे। पूर्व निर्धारित जो भी कार्यक्रम हैं वो आप पूरे कर लें इस माह में, ऐसा समय आपको मिलेगा। उसमें लापरवाही मत करिएगा, जो भी आपने कार्यक्रम जो आपके विलंबित हैं उनको आप पूरा करिएगा। इस माह निश्चित तौर पर आपका आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और प्रेम संबंधों के लिए भी ये महीना आपके लिए ठीक रहेगा। 2, 8, 15, 19 तारीख कम अच्छी है, सावधान रहिएगा। मिथुन राशि की बात करें तो ये मार्च का महीना बेहतरीन साबित होगा। आपके पूर्व में किए हुए कुछ कार्य आपको इस माह अच्छे लाभ देंगे। पिछले समय पर किया हुआ पूंजी निवेश भी इस माह अच्छा फल देगा, लेकिन मेरी सलाह है कि लगातार आप अपने प्रयास जारी रखें। कोई उपलब्धि मिल जाने के बाद आलस्य में ना आए, बल्कि प्रयास अपने बढ़ा दें और आगे के लिए भी आप अपना निवेश करते चले जाएं। उत्साह और लगन ये दोनों आपके ठीक रहेंगे। 5, 8, 16, 18, 19, 23, 28, 30 ये तारीखें कम अच्छी हैं, सावधान रखिए। बहनों भाइयों आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।